जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ऐसा ही एक संदेश देती दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति इंदौर में बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी दर्शाती इस कलाकृति का निर्माण 10 दिन में हुआ है, जो महिलाओं का दर्द बयां कर रही है। इस कलाकृति को देश भर के अलग अलग प्रदेशों की 30 युवकों ने मिलकर बनाया है। यह वह कलाकृति है जिसे दुनिया की पहली सबसे बड़ी कलाकृति होने का दावा इसका निर्माण करने वाले कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में बनाई गई इस कलाकृति की लंबाई 64 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। इसमें माइल्ड स्टील नेल्स का उपयोग किया गया है। यह कलाकृति दूसरे विश्व युद्ध के समय को दर्शाती है, जिसमें एक महिला एक गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही है। गाड़ी को दो पुरुष मिलकर चला रहे हैं। कलाकृति की कुछ खास बातें जानकर आपको हैरानी होगी, मसलन गाड़ी चालक के सिर और पैर का नहीं होना, साथ ही गाड़ी में स्टीयरिंग का नहीं होना इसको अनोखा बनाता है। कलाकार का इस बारे में यह कहना है कि हर पुरुष का एक जैसा ही चेहरा होता है और वो दूसरों के बताए रास्तों पर ही चलता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 20 लाख सैनिकों को वीरगति की प्राप्ति हुई थी। इस कलाकृति में 20 लाख किलो का इस्तेमाल किया गया। हर किल एक एक सैनिक के परिवार की त्रासदी दुख को बयां करती है। इंदौर की मरियम ने अपनी टीम के साथ मिलकर 10 महीने में कैसी कलाकृति को अंजाम दिया, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। उन्होंने 20,44,446 किलो और 30 युवतियों की सहायता से 10 महीनों तक रोजाना 10-10 घंटे काम करते हुए एक नई लाट का निर्माण किया। इसे बनाने के लिए 30 युवतियों का चुनाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था। वैसे इसके निर्माण हेतु 200 कलाकारों की जरूरत थी, मगर मरियम और 30 लोगों की टीम ने मिलकर यह अजूबा कर दिखाया। मरियम के पति आर्टिस्ट वाजिद खान, विश्व ख्याति प्राप्त कलाकार, ने नेल आर्ट में अहम भूमिका निभाते हुए टीम को बनाने के लिए एक महीने की ट्रेनिंग दी। ओके, हमने पहले काफी प्रैक्टिस करी थी इसकी, हैमरिंग की, किस तरह से हमें हैमर करना है, टाइम के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम में हमें कितना फास्टेस्ट तरीके से हम उसको हैमर कर सकते हैं, तो हमने वो काफ़ी प्रैक्टिस करी है। उसके बाद में फिर हमने ये पूरा आर्ट क्रिएट किया है। इसमें काफ़ी वक्त लगा है, वैसे तो टोटल 10 मंथ्स लगे हैं, बट हमने इसे 10 मंथ से तैयारियां चल रही थी, बाकी हमने इसको 6 दिनों में, मतलब एक हफ्ते में कम्प्लीट किया है। और हर दिन हम 13-13 घंटे काम करते थे इसके लिए। सोनिका मेहता। तो आपकी कुर्बानी के बारे में बताओ कि आप बॉम्बे से आई हैं, इसके लिए कितनी बार रही, कैसे? तो मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और ये आर्टवर्क का जब मुझे कॉन्सेप्ट वाजिद जी ने बताया, तो इतना प्योर कॉन्सेप्ट है ये कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू में विमेन ने सफ़र किया था और कितना सफ़र किया था, उसको हमने मल्टीपल तरीकों से दिखाने का ट्राई किया है। वन इज़ कि हम आर्टवर्क में इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कैसे मिलके हम पेन दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, वो हमने नेल का यूज़ किया है, आयरन नेल का यूज़ किया है, जो पेन की निशानी होती है कि कैसे कितना पेन हुआ था और कैसे उसको सर्वाइव करके आज भी विमेन खड़ी हुई हैं, कोई हिला नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तो और तीसरा मैसेज जो हम दे रहे हैं वो विमेन एम्पावरमेंट का, कि कैसे सब अलग अलग रिलीजन की लड़कियां, सब अलग एज ग्रुप की लड़कियां हैं, सबके प्रोफेशंस डिफरेंट हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई कुछ और कर रही हैं, बट एज को हटा के, रिलीजन को साइड में रख के, सब कुछ साइड में रख के, सब यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सब ने एक साथ मिलकर काम किया है। ये जो हमने आर्टवर्क बनाया है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोज़ैक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टवर्क है, और इसको जो है हम वर्ल्ड वॉर टू जो है इस पर हमारा मैसेज जो है वो ये है कि वुमेन्स पावर दिखाना चाहते हैं हम। और इसके साथ साथ हम जो है, लेकिन जब भी वर्ल्ड में कोई वॉर हुई है तो हमेशा नुकसान सबसे ज़्यादा वुमेन्स का हुआ है। हम एक ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ वर्क से बहुत सारे मैसेजेस दें। देखें, आप शुरू में जब इस तरफ देखेंगे, शुरुआत जो है इसकी, वहाँ से जो है, आप जब से दुनिया शुरू हुई है तब से चीज़ें बताई गई हैं, आज तक की चीज़ें बताई गई हैं। आप इसमें देखेंगे एक उस तरफ हिरन का एक बना हुआ है फेस, और उसके नीचे एक जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंसान दुनिया में था वो हमने इसमें दर्शाया है। उसके बाद फिर वो चीज़ चलते 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 ये आगे आई है, आज के दौर तक का हमने इसमें बताया है। और हम इसमें जितनी भी नेल्स लगाई हैं, ये 20 लाख नेल्स से हम लोगों ने बनाया है। मेरे साथ 30 गर्ल्स थी और हम लोगों ने ये 10 महीने में इसको कंप्लीट किया है पूरा। और जो है, हर एक नेल जो है इसमें एक वुमन की कहानी बताती है।
और आप देखेंगे इसमें हमने हार्ट बनाया है और जो है ब्रेन बनाया है, इनको दोनों को हमने उल्टा बनाया है। उसका रीज़न ये है कि देखें ये दोनों आज जब हम इस दौर में देखते हैं तो इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन मिलता हुआ हमें नहीं नज़र आता है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ, और सारी चीज़ें आज इंसान जो है बहुत ख़राबी की तरफ चली जा रही हैं। आप जी, हमने इसमें सारे धर्मों की गर्ल्स हैं इसमें जो है, और इतनी खूबसूरती से सब जो है हम लोगों ने एक साथ इसमें काम किया है। हमें कभी नहीं लगा कि हम अलग अलग धर्मों के हैं। हर एक इसमें तारीफ़ काबिल बच्ची है और सबके दिल जो हैं इस तरीक़े से एक दूसरे से मिल गए हैं कि जब हमारा कंप्लीट हुआ था आर्टवर्क, सब ज़ारो कतार रो रहे थे कि अब हम कैसे जो है। लगभग 10 महीने पहले इसका निर्माण शुरू हुआ और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास 6 दिन 18 अगस्त से 23 अगस्त तक किया गया, जो लगातार 53 घंटे 25 मिनट तक इंदौर के गोयल ग्रीन में जारी रहा। हर 4 घंटे के बाद प्रतिभागियों को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है। चोट लगने के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं रोका। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।